सभी माता के भक्तों को अंकुश और राजा का नमस्कार। हम दोनों भाई माँ की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब इसे ध्यान से जरूर सुनेंगे। जय माता दी। ये कहानी है माँ के चमत्कार की, मूर्तियाँ गढ़ने वाले कलाकार की, गांव का रहने वाला एक भोला कुमार, मूर्तियों का किया करता था कारोबार, देवताओं की गढ़ करके वो मूर्तियाँ फूंक देता था, वो प्यारे रंगों से जा जाके बाजार फिर बेच आता था, वो जीवन यापन के लायक कमाता था, वो भक्ति में लीन दुर्गा की रहता था, वो दुख गरीबी का हाला की सहता था, वो माँ से उसको मगर कुछ शिकायत न थी, धन मिले पद मिले ऐसी नीयत न थी, उसकी पत्नी थी गुणवान और नेक थी, ये समझिए कि वो लाखों में एक थी, छोटा व्यापार था पर न थे वो दुखी, मूर्तियाँ बेच कर थे वो दोनों सुखी, एक नौ माह का प्यारा बच्चा भी था, गोरा सुंदर व सेहत से अच्छा भी था, जान बच्चे में उन दोनों की थी बसी, उसकी सूरत थी आँखों में उनके धसी, दोनों खुशहाल थे दिन गुजरते रहे, भक्ति माँ दुर्गा की दोनों करते रहे, सच्चे भक्तों की लेती परीक्षा है माँ, डाल कर दुख में करती समीक्षा है माँ, एक दिन माँ के मंदिर से आ करके वो मूर्तियों खातिर मिट्टी भींगा करके वो दोनों पाँव से अपने लगा रौदने, ताकि मूर्ति के गढ़ने के लायक बने, व्यस्त पत्नी भी खाना बनाने में थी, धर्म पत्नी का अपने निभाने में थी, आगे क्या होगा इसका ना आभास था, बच्चा सोया हुआ था वहीं पास था, नींद टूटी अचानक तो चलने लगा, और गिर गिर के थोड़ा संभलने लगा, रोदता मिट्टे उसका पिता था जहाँ, रेंगता बच्चा पहुँचा वहाँ, माँ की धुन में था खोया हुआ वो कुम्हार, कर रहा था वो माँ दुर्गा की जय जयकार, पास अपने पिता के सरकते हुए आ गया बच्चा हंसते हुमकते हुए, और बढ़ता गया और बढ़ता गया, मिट्टी पे धीरे धीरे वो चढ़ता गया, बाप का पाँव तो तेज था चल रहा, रौद कर मिट्टी तेजी से था मल रहा, पाँव के नीचे वो बच्चा भी आ गया, बाप छाती पे बच्चे के चढ़ता गया, मिट्टी में सान डाला उसे रौंद कर, खून से हो गई लाल मिट्टी मगर, मर गया बेटा उसको पता न चला, एक कोमल बदन मिट्टी ही बन गया, रौंद कर वो तो मिट्टी बनाता रहा, और भजन शेरा वाली कराता रहा, टूटा माँ का उधर जब रसोई से ध्यान, हो चुकी घटना का
खाट पर अपने बच्चे को पाई ना, जब ढूंढने लग गई सारे घर में वो तब, जब ना बच्चा मिला घर के बाहर गई, द्वार पे था जहाँ उसका शोहर गई, उसके पाँव के नीचे गई जब नजर, गिर गई धरती पर जोर से चीख कर, हाय बच्चा मेरा, हाय बच्चा मेरा, टुकड़े में बट गया उफ कलेजा मेरा, रुक गया वो कुम्हार उसका तब टूटा ध्यान, हो गया उसको फिर सारी घटना का ज्ञान, वो भी रोने लगा मार कर सिर पे हाथ, और माँ दुर्गा से बोला रो कर ये बात, मैंने ही ले ली है अपने बच्चे की जान, जबकि मैंने लगाया था माँ तेरा ध्यान, आज भक्ति पे आए ना चिंता है ये, क्या कहूँ ये बता आज मैं पत्नी से, बोली पत्नी की अब ऐसा कर जाने दो, मेरा लौटाओ बेटा या मर जाने दो, माँ प्रकट हो गई उनके पास आ गई, लाल जो मिट्टी थी अपना रंग पा गई, शेरा वाली ने अपना दिखाया प्रताप, एक मूरत बनी मिट्टी में अपने आप, बच्चे के शक्ल से मिलती थी हूँ बहु, कर दिया फिर उस मूरत ने चलना शुरू, यानी कि जिंदा बच्चा था वो हो गया, हो गए खुश वो दोनों करिश्मा हुआ, ना ये कहने लगी कि तुझे आस था, दुख में भी तुझको मुझ पे ही विश्वास था, पति पत्नी गिरे पाँव पे खुश हुए, शेरा वाली से ये दीप कहने लगे, शेरा वाली से ये दीप कहने लगे, तू है दयालु शेरा वाली, भक्ति की लाज बचा ली, तू है दयालु शेरा वाली, भक्ति की लाज बचा ली, तुझ पे है विश्वास हमारा और विश्वास रहेगा, आस पुराने वाली से ही सबको आस रहेगा, रख ले शरण में नौनिहाल को, लंबी उम्र दे मेरे लाल को, ऐ माँ रख ले शरण में नौनिहाल को, लंबी उम्र दे मेरे लाल को, हम है मैया भक्त तुम्हारे, आते रहेंगे तेरे द्वारे, हम है मैया भक्त तुम्हारे, आते रहेंगे है कुछ कहना, हम है तेरी शरणों में मैया, बेटा भी है शरण में, हमें हारने मत देना तुम जीवन के इस रण में, रख ले शरण में नौनिहाल को,
लंबी उम्र दे मेरे लाल को ए माँ, रख ले शरण में ननिहाल को, लंबी उम्र दे मेरे लाल को। बहुत दयालु बहुत निराली तुम हो अद्भुत शक्ति वाली, बहुत दयालु बहुत निराली तुम हो अद्भुत शक्ति वाली, सांस के तेरा चौकट छूटे, अंकुश राजा दिलीप सिन्हा बनकर तेरे पुजारी, दीप जलाएंगे पूजा का मेरी मैया प्यारी, रख ले शरण में ननिहाल को, लंबी उम्र दे मेरे लाल को, ए माँ रख ले शरण में ननिहाल को, लंबी उम्र दे मेरे लाल को।